Hello everyone, welcome to Civil Service Kannar. So in this section we shall discuss about various previous year questions of General Science Odisha Civil Service 2015 to 2019. So General Science रे बहुत सारा पार्ट अच्छी समस्त जानी चो. फास्ट जेमती हमें कोई परिवार एट देखो इस स्क्रीन को देखो ये डॉक्यूमेंट रे हमारा पांच वर्ष रा पूरा जहाँ भी क्वेश्चन आछी जनरल साइंस को लेकिन ताको हमें कंसोलिडेट कर चु. तो फास्ट देखो इतने को पार्ट तुम्हें कवर कर पार जनरल साइंस रे कौन कौन सब जिनस अच्छे. ओके तो देखो फास्ट रही फिजिक्स फिजिक्स रे जो यूनिट बा चैप्टर सब रही कौन कौन अच्छी मेकानिक्स रही साउंड ऑसिलेशन और वेव्स थर्मोडायनामिक्स लाइट्स ऑप्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी ये सब टॉपिक सब रही. केमिस्ट्री केमिस्ट्री रे हमर तीन टाइप पार्ट अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तापर बॉटनी और जूलॉजी बटनी और जूलॉजी मिसिकी अच्छी हमर बेसिक पार्ट साइटोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट ये सब आम बटनी पार्ट कहींपर एनिमल जो आम कहे आम जूलॉजी को बुझाऊे ह्यूमन को लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ह्यूमन रो जो तार आमर जो बायोलॉजिकल जिनस गुड़ाक तुमको बुझार अच्छे जमी सब आम डिस्कस करवापर इकोलॉजी इकोलॉजी जेहेतु आम एनवायरमेंट भी पढ़ुचे बट पर्टिकुलर सेक्शन रे जेहेतु जनरल साइंस जो स्टार्ट होती भितर आम दु तीन टा क्वेश्चन रही जोटा कि आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी एनवायरमेंट पार्ट रे इतने जस्ट खाली आम जानिया पे चाहिबा जे आम कैलकुलेट करिबा एटा का पोरे जनरल साइंस भितर कैलकुलेट करिया कौन ना से पर्टिकुलर सेक्शन भितर इस क्वेश्चन सब रहउची जेनेटिक्स ह्यूमन डिजीजेस डिजीजेस को लेकिन क्वेश्चन आछी प्लांट डिजीज ह्यूमन डिजीज तापरे मिसलेनियस क्वेश्चंस जमती इंस्ट्रूमेंट ये सब जिनस को लेकिन क्वेश्चन आर बायोटेक्नोलॉजी स्पेस साइंस डिफेन्स कंप्यूटर उपरे क्वेश्चंस बहुत सारा आसुची आउ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके तो ये सब टॉपिक है कहार पार्ट जनरल साइंस रो पार्ट तेणु आम जस्ट कौन करवा ना ये डॉक्यूमेंट रे अच्छे 2015 to 2019 जाए आम एनालाइज क्वेश्चंस आउ 2020 एग्जाम जो हम किसी दिन पर प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन हो पारे बा कौ टॉपिक रु क्वेश्चन आसीबो ताकु आमे जस्ट गेस करिबा. ओके सो 2015 रे देखो आमर मेकानिक्स साउंड ऑसिलेशन ए भितर किछि क्वेश्चन आसी बट इलेक्ट्रिसिटी रु क्वेश्चन आसी दुटा क्वेश्चन आसी. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहू ना फ्यूज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोड बोथ ए एंड बी लीकेज ऑफ द करेंट. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रु ए पार्ट को तुम कवर कर पार. तो यार आंसर तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कल ये जो ऑनलाइन जो रोच ये कमेंट सेक्शन में आंसर करने ट्राए कर यार आंसर कौन हम. ओके तो यार आंसर कौन हम मुझे जस्ट तुमको शो करुच्ची एट देख आंसर हम बोथ ए एंड बी. तो यहाँ तुम्हें कौटी पाइब यार आंसर ना एनसीईआरटी को तुमको रेफर करने पड़ तो एनसीईआरटी रे जो पार्ट रोचे एनसीईआरटी को कौ पार्ट को तुमको कवर करने पड़ो ना जमी एनसीईआरटी सिक्स क्लास रु टेन्थ क्लास जहाँ भी सब पार्ट रही तुम्हें टोटाल कवर करने पड़ो आइन्स जी तुम मार्क रखार अच्छे यही पार्ट प्लस तुम्हें आईदर आरियांस जिके कि लुसेंट लुसेंट रो जो जनरल साइंस पार्ट को जी कवर कर ताले फुल्ली तुम्हें सफिसीयंट तुम्हें तुम उपर कन्फिडेन्स आसीज जो हाँ मुझे पार्ट को भलसे आपियर करी तेणु फास्ट जिनस एनसीईआरटी देन तुम्हें जी आरियांस बुक अच्छे ठीक अच्छे जदि आरियांस बुक ना लुसेंट बुक ना गोटे तुमको परचेज करने पड़ो. तो ये जो 2015 फास्ट क्वेश्चन था फ्यूज को लेकिन जोटा कि इलेक्ट्रिसीटी टपिक कभर होता है तो एमती कि ये कौन करना क्वेश्चन्स मानक कनसल्टेसन हो क्वेश्चन्स मानक तुम गो थ्रो कर क्वेश्चन्स मानक या चेक कला तुम यार आंसर ट्राए कर देखापे बट ये जो क्वेश्चन देख कौ कौ टपिक रु क्वेश्चन आसूँ आनालीसीस करवा बहुत इंपोर्टाट जो ये जिनसा तुम निजे कर बहुत पिला मुझे जस्ट खाली तुमको यहाँ रिपिटेसन कौच टाइप रुमको पढ़ापी पड़ो. तो सेकेंड क्वेश्चन सही टॉपिक रु देखो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट रेड्यूसेस सब्सटेंशियली डज नॉट चेंज इनक्रीज हेविली वेरी कंटिन्यूअसली. शॉर्ट सर्किट टाइम रे करेंट जो रही करेंट सर्किट रे कौन हुए सब्सटेंशियली रेड्यूस हो जाए ना डज नॉट चेंज और इनक्रीज हेविली और वेरी कंटिन्यूअसली अनलेस यू रीड
तो एनसीईआरटी यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चंस। तो ये देखो आंसर कौन ही थी वो, आंसर कौन ही थी वो, कमेंट से मेंशन करो आंसर। आंसर देखो ये देखो लिखा है जी इंक्रीजेस हेविली। ओके इंक्रीजेस हेविली। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज विषय तुमको जानवर अच्छी से सेम जिनस अच्छी। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन, इलेक्ट्रिक ओभरलोडिंग केत सर्ट सर्किटिंग केत तो सर्ट सर्किटिंग कौ सिचुएसन हो ना ओभरलोडिंग, ओभरलोडिंग केस्रे आमर सर्ट सर्किट हो। तो ओभरलोडिंग क्यान अकर व्वेन लाइव वेयर एंड नेचुराल वेयर कम इन टू डायरेक्ट कंटाक्ट। ओके लाइव वेयर आउ नेचुराल वेयर पॉजिटिव नेगेटिव जब मिसी जाऊँ डायरेक्ट कंटाक्ट होतेबूक आम सर्ट सर्किट हमारे चान्सेस रोचे। सो इन दिस सिचुएसन द करेन्ट इन द सर्किट अब्रप्टली इनक्रीजेस, तेणु इनक्रीजेस हेविली। तो इजिली तुम या आंसर पाइपर सेमती। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम आंसर करने ट्राए करवा इधर देखो आमर फिजिक्स पार्ट रे ए पार्ट को आमे कवर कर दोचे किंतु फिजिक्स परे आमर जो नेक्स्ट अछि कंप्यूटर पार्ट, कंप्यूटर रे आमर बहुत सारा क्वेश्चन पड़ी 2015 रे सबुट बेसी क्वेश्चन पड़ी 2017 आउ 18 इथरे गोटे गोटे क्वेश्चन आछि 2019 रे क्वेश्चन नाही बट तुम्हें एक्सपेक्ट कर पार गोटे दुटा क्वेश्चन पड़ जोटा कि एते भी टफ नथिबो तुम्हें इजिली आंसर कर पार। तो कौ टाइप रो क्वेश्चन पड़ू कंप्यूटर सेक्शन रे तुमको जानवा निहाती दरकार। तो फास्ट देख कंप्यूटर रे बेसिकली तुम्हें कौन जान कंप्यूटर कौ कौ जिनस को लेकिन गठित तो से जिनस को लेकिन फास्ट क्वेश्चन आस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ओके व्हिच इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर सीपीयू मॉनिटर माउस माइक्रोसॉफ्ट विंडो समस्त जानते यार आंसर तो इट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। सेमती व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू रो फंक्शन कौटा नुह तो डिस्प्लेइंग जोटा अच्छे डिस्प्ले किए करे मॉनिटर डिस्प्ले करे सीपीयू डिस्प्ले करे कि सीपीयू डिस्प्ले करे नहीं तेणु मॉनिटर डिस्प्लेइंग करे। तापरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन पे दरकार हुए राइटिंग लेटर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट ऑल ऑफ द अबव। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कौन पे हमर दरकार हुए स्प्रेडशीट पे दरकार हुए लेटर राइटिंग पे कौन दरकार हुए वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दरकार हुए। ओके तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पे पीपीटी दरकार हुए ना नहीं तो सही जिनस को तुमको जानिया पे पड़िबो। तो कंप्यूटर सेक्शन में हमें कवर कर दबा आउ दुटा क्वेश्चन रहला 2017 आउ 18 रो व्हेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। कंप्यूटर जो अच्छी कंप्यूटर कोठी डाटा को कंपेयर करे वो ऐड करे तो हार्ड डिस्क मॉनिटर मेमोरी चिप सीपीयू चिप आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ये बहुत इजी क्वेश्चन। तापर देखो नेक्स्ट या तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 रो क्वेश्चन कौन कौन ना शार्पनेस ऑफ द टेलीविजन इमेज इज टर्म एज इट्स कलर क्लारिटी ग्राफिक्स रिजोल्यूशन आंसर कौन हम रिजोल्यूशन। ओके तो एमती कि तुम कंप्यूटर पार्ट को आम कवर करे कंप्यूटर पार्ट को कवर कलापर आम देखा आउ कौन सब क्वेश्चन रही 2016 रो क्वेश्चन को देखा देखो लाइट्स ऑप्टिक्स रो 2015 रे पढ़ी बट 2016 रे पढ़ी वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट अराउंड कौन पे आम देख बहुत इजी क्वेश्चन सिक्स क्लास रो क्वेश्चन एटा आम जो आम सराउंडिंग रे ओके ऑब्जेक्ट को केमी ऑब्जर्व करुचे बाय कौन कहा द्वारा ऑब्जेक्ट करुचे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्वशन ऑफ लाइट ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर कौन हम या तो 2017 रो क्वेश्चन को जीवा देखो 2015 रो क्वेश्चन एमती है कि टोटल क्वेश्चन सही के टोटल 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन हाव आक्स। ओके तो 18 क्वेश्चन 2015 रे पड़ी ची 2016 रे देखो कितना क्वेश्चन पड़ी ची टोटल 13 क्वेश्चन पचार 2017 रे सेमती 12 क्वेश्चन तो तुम्हें एक्सपेक्ट कर पार 15 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस। तो ये देख 2016 रो क्वेश्चन अलग अच्छी तो ये जो ये पार्ट रो जो क्वेश्चन अच्छी मुझे जस्ट सर्च करके तुमको एक्सप्लेन करूँ। ओके देखो वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू कौन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तेणु ये तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम डायरेक्टली एनसीईआरटी को सर्च करके पाइपर तेणु यूर तुम जो एक्जाम दब देख तुम जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो बहुत बेनिफिट रही है जो मैंने पढ़ी न तुम इजी क्वेश्चन पढ़ कि टफ क्वेश्चन पढ़ आ कि आनालीटिकाल क्वेश्चन पढ़ से आनालीटिकाल क्वेश्चन तुम करें जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ुन
ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏନସିଇଆରଟି ଯାହା ହେଲେ ବି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏନସିଇଆରଟିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ 70% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଏନସିଇଆରଟିରେ ପାଇପାରିବ, ଆଉ 30% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଲୁସେଣ୍ଟରୁ ପାଇବ କିମ୍ବା ଅଦର ନୂଆ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ ପାଇବ। ଓକେ, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେମିତି କିଛି ପଚାରିନି, ତ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଏଇ ଇୟର ସେମେ ବି ପଚାରିପାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ପଚାରିପାରେ, 5G କ'ଣ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ଓକେ, ତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ନେଇକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ଟିକ୍ସରୁ ଦେଖ, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ ମେକାନିକ୍ସର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନଥିଲା, ବଟ୍ 2018ରେ ଦେଖ ପଚାରିଛି ରକେଟ୍ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ, ଥାର୍ଡ ଲ, ଫୋର୍ଥ ଲ, ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଥାର୍ଡ ଲ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରକେଟ୍ ଇଚ୍ ଆମର ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ ନା ନାହିଁ, ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ କି ନାହିଁ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ତ ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କନସେପ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ରକେଟ୍ ୱାର୍କ କରେ। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବଡି ଫଲ୍ସ ଫ୍ରିଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ଥ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ରିମେନ୍ ସେମ୍, ଡିକ୍ରିଜେସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ୟାର ଆନ୍ସର କୁହ, ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବଡି ଫଲ୍ ଫ୍ରିଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଆର୍ଥ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ, ଅର୍ ସମାନ ରୁହେ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ ବା ଡିକ୍ରିଜ୍ କରେ, ଅର୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ରିମେନ୍ସ ସେମ୍। ଓକେ, ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଏ ବଡି ଫଲ୍ସ ଫ୍ରିଲି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଥ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ରିମେନ୍ ସେମ୍। ତ ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଏନସିଇଆରଟିରୁ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ମେକାନିକ୍ସରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାତ୍ର ଆସିଛି। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଡିଏବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ ତୁମେ ଏଇଟା ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରୁ ବି ପାଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସର ପାର୍ଟ, ତ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବା ନଏଜ୍, ଯେଉଁ ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଅଡିଏବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଫର୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ ଇଜ୍ କେତେ, ଲେସ୍ ଦାନ୍ 20 Hz, 20 to 20,000 Hz, 21,000 to 50,000 Hz, 100 to 120 kHz। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, 20 to 20,000 Hz। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଏନସିଇଆରଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ଡିଟେଲ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି କିମ୍ବା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେମିତି କିଛି ଆସିନି। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ଟିକ୍ସରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେତିକି ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛି ଦ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଦ ସି ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ବାଇ ସି ୱାଟର, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ବାଇ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଇନ୍ ସି ୱାଟର, ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ବାଇ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ, ଆବଜର୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର କଲର୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବ୍ଲୁ ବାଇ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କର, ଆନ୍ସର ହବ ସି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏନସିଆରଟି ତୁମେ ପାଇପାରିବ, ଆନ୍ସର ହବ ସି, ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍। ତ ଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି ଯେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଏ, କଲର୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଇନ୍ ଡିପ୍ ସି, ରେଡେନିଂ ଅଫ୍ ସନ୍ ଏଟ୍ ସନ୍ରାଇଜ୍, ସନ୍ସେଟ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଣ୍ଡରପୁଲ୍ ଫେନୋମେନା ୱିଚ୍ ୱି ଆର୍ ଫ୍ୟାମିଲିଅର୍ ୱିଥ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଲାଇଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲାଇଟ୍ର ସ୍କାଟରିଂ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଦେଖ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅଡିଏବୁଲ୍ ରେଞ୍ଜ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏନସିଇଆରଟିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛି 20 to 20,000 Hz। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ସମ୍ ଆନିମାଲ କ୍ୟାନ୍ ହେୟର ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାୟର ଦାନ୍ 20,000 Hz, ଡଗ୍ସ ହାଭ୍ ଦିସ୍ ଆବିଲିଟି, ଦ ପୋଲିସ ୟୁଜ୍ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହୁଇଚିଲ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିଅର ଟୁ ଅସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକିଂ ମେନି ମେଡିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱାର୍କସ ଏଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହାୟର ଦାନ୍ 20,000 Hz। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2016ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଆସିଛି, ଚୁଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍। ଏଇଟା ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଛି। ତ ବେଷ୍ଟ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରୁଛେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ୱାଟର, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରବାବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ବା ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆଡିସନାଲି ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇଶର୍, ଏଇଟା ବି ତୁମର ଏନସିଇଆରଟିର,
देखो एनसीसी पिक्चर भी देखी फायर एक्सटिंग्विशर केमती देर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूसिंग फायर फ्यूएल एयर आउ हीट। एयर माने ऑक्सीजन सप्लाई निहाती दरकार हीट भी दरकार तापरे फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दिज रिक्वायरमेंट। जदि आम फायर केमती कंट्रोल करवा आम एयर को रिमूव करदे फायर कमीज सेमती एटा तो फास्ट जिनस रहा देख मोस्ट अफ द केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेट फ्यूएल को आम एलिमिनेट कर पार्बे इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूएल देन द मोस्ट कमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। ओके सबुठ कमन फायर एक्सटिंग्विशर जदि से पचारा ताले वाटर बट सबुठ बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौटा बेस्ट एक्सटिंग्विशर से कार्बन डाइऑक्साइड तेणु यही सब पार्ट को तुमको डिटेल पढ़वार अच्छे। तापरे फ्यूज वायर ऑफ अप्रोप्रिएट थिकनेस इम्प्रूव्स इट्स एफिशिएंसी टू प्रिवेंट डैमेज। फ्यूज को लेकिन बारंबार क्वेश्चन आसूची तेणु तुम देख ये तो सही क्वेश्चन अच्छे फ्यूज इज कौन 2019 क्वेश्चन 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन तो फ्यूज वायर ऑफ अप्रोप्रिएट थिकनेस इम्प्रूव्स इट्स एफिशिएंसी टू प्रिवेंट डैमेज दिज वायर्स आर मेड ऑफ कौन अलॉय ऑफ लीड एंड कौन लीड एंड जिंक और लीड एंड टिन लीड एंड टीन देन अप्रोक्सीमेट लाइफ टाइम ऑफ ए कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब इज केते घंटा। तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो बेलू प्रेडिक्ट करने तो जेहेतु से नुआ आसाला या को आम कहीपर नुआ टेक्निक कौन पाई ना से बेल 2017 बेलू एलईडी बल्ब नुआ आसाला और तार जो स्पेसिफिकेशन को लेकिन क्वेश्चन पचार तेणु आंसर कौन हम गोटे गोटे पार्ट में 20,000 आवर दे बट आकुरेटली आंसर हम कहते 50,000 आवर तो जदि ऑफिशियल की रे आंसर जदि 20,000 ताकू चेक करी कमेंट रे मेंशन करियो बट आंसर मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर 50,000 आवर। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज आमर इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बल्ब रो ब्राइटनेस कौन होची ना डिक्रीज ग्रेजुअली विथ द पीरियड ऑफ यूज ऑफ कौन एवापोरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम फिलामेंट ऑफ बल्ब डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब नन ऑफ द अबव। तो आमर जो बल्ब जो आम जलाऊे घरे नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब से कौन हुए आम ब्राइटनेसटा देख वर्षे पर कमी जाए तो कौन पे कमी जाए ना आम जो फिलामेंट जो अच्छी से फिलामेंट रो मेटल आमर कौन हुए इवापोरेशन हुए तो से जिनस को लेकिन तुम आंसर ए कर पार तो यार आंसर देखिए आमर कौन दे आंसर में आंसर हम इवापोरेशन ऑफ मेटल फ्रॉम फिलामेंट ऑफ बल्ब। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ सेम एटु क्वेश्चन पचार था देख 2016 रिपीट होती तेणु क्वेश्चन भी रिपीट होती तेणु तुमको पढ़वार अच्छी। तापर ए फ्यूज इज ए व्हाट सेफ्टी डिवाइस एंड रेगुलेट फ्लो ऑफ करेंट ये तो जापारल आपर देख इट इज मेड अप टिन एंड लीड एलॉय इट हाज लो मेल्टिंग पॉइंट तेणु तीन टा जाक करेक्ट हेबो तेणु तुम खाली गोटे क्वेश्चन को देखिकी आखि बुझिकी आंसर कले हेबोनी टोटाल क्वेश्चन को बुझाप ट्राए कर तो एमती कि आमर देख इलेक्ट्रिसिटी पार्ट को आम कम्प्लीट कले देख आउ गोटे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को लेकिन इलेक्ट्रिक जेनेटर इलेक्ट्रिक जेनेटर आउ इलेक्ट्रिक मोटर को तुमको बुझार अच्छे इलेक्ट्रिक जेनेटर कौन कै ना इलेक्ट्रिकाल इलेक्ट्रिकाल एनर्जी को कौन हुए मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे तो यहीटा को तुमको जानवर अच्छे आमर कौन हुए सिंपली जेनेटर कौन हुए इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुए ना नहीं इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुए तेणु आम कहीपर जो मेकानिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटु इलेक्ट्रिकल एनर्जी तेणु ये आम देखा इलेक्ट्रिकल जेनेटर आम सर्च करवा देख मेकानिकल टू इलेक्ट्रिकल तो ये देख एनसीईआरटी रे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल मोटर रो स्पेसिफिकेशन देती इलेक्ट्रिकल मोटर कौन करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे बट इलेक्ट्रिक जेनेटर कौन करे ना आमर मेकानिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बुझिपार देख नेक्स्ट क्वेश्चन
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି ଆଉ ଫିଜିକ୍ସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନାହିଁ। ଫିଜିକ୍ସରେ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛି କେଉଁଥିରୁ, ବାୟୋଲୋଜିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସୁଛି। ତ 2015ରେ ଦେଖ ଆମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି। କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ 2015ରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ, ବଟ 2016ରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଛି ଦେଖ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କ'ଣ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସ୍ଲୋଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସ୍ଲୋଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପଲିମରେଜ୍ ଇଣ୍ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟା ଏବଭ୍। ତ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କୁହ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ତ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଡିଟେଲ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଦେଖ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ଅକର୍ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସୋ ଇନ୍ ମସଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନ୍ ଏରୋବିକ୍ ପାଥୱେ। ଆନ୍ ଏରୋବିକ୍ ଆଉ ଏରୋବିକ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏରୋବିକ୍ ମାନେ ୱିଥ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆନ୍ ଏରୋବିକ୍ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ଏଇଟା ହୁଏ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆନ୍ ଏରୋବିକ୍ ପାଥୱେ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଡାଉନ୍। ସୋ ଦ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପେନ୍ ଏଟ୍ ଦ ମିନିଟ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ବଡି ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍। ଇଟ୍ ଅକର୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅର୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଲୁଲାର ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, ହୋୟାର ଥ୍ରୀ ସି ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଆଜ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦିସ୍ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ମେଜର ୱେ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍। ସୋ ତାପରେ ଦେଖ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍, ଆଲକୋହଲ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍, ଏସିଡିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ତ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଛୋଟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଇଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆନ୍ ଆରୋବିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କହୁଛେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପାଇରୁବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଭର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ଟୁ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଥାନଲ୍। ଓକେ ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସ୍ଲୋଲି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଇନ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅର୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ର ଅର୍ ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏନ୍ସିଆର୍ରୁ ପାଇବ। ଆଇରନ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ ହେଲା ସିଡେରାଇଟ୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଆଇରନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଇରନ୍ ଅର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସିଡେରାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ ଆନ୍ସର ହେବ ସିଡେରାଇଟ୍। ଦେଖ ଏଠି ଆଲୁମିନିୟମର ଦେଖ ଅର୍ ଦେଇଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଉ କାଲୋନିଟ୍, ଓକେ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ର ହେମାଟାଇଟ୍, ମାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଆଉ ସାଇଡେରାଇଟ୍, ଆଇରନ୍ ପାଇରାଇଟ୍, ଓକେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ଆଇରନ୍ର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଆଲୁମିନିୟମର କାଲିନାଇଟ୍, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଏଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଚ୍ ଫୋର୍ ଦେଇଛି। କପର ସେମିତି କପର ପାଇରାଇଟ୍, ମାଲାଜାଇଟ୍, କ୍ୟୁପ୍ରାଇଟ୍, କପର ଗ୍ଲାନ୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଜିଙ୍କର ସେମିତି ଦେଖ ଜିଙ୍କ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅର୍ ସ୍ଫାଲାରାଇଟ୍, ତାପରେ କାଲାମାଇନ୍, ଜିଙ୍କ ଜାଇଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖ। ତାର ସିମ୍ବଲ ବି ମନେ ରଖିବ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ସେ ପଚାରିଛି କପରର ପଚାରିଛି, ଆଇରନ୍ର ପଚାରିଛି ସିଡେରାଇଟ୍। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିବ ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଅର୍ ଅଫ୍ କପର। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଥିବ କ'ଣ ମାଲାଚାଇଟ୍ ଥିବ, ଓକେ। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସିମେଣ୍ଟ, ସିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୱାଇଡ୍ଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ସିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସିଲିକେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଲୁମିନେଟ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲ୍ଫ ଆଲୁମିନେଟ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଏନ୍ଜାଇମ୍ର କେଉଁଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ନୁହଁ। ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ କାଟାଲିଷ୍ଟ, କାଟାଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆର୍ ବାୟୋ କାଟାଲିଷ୍ଟ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ଦ ବାଇଣ୍ଡ ଟୁ ରିସେପ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ,
कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके तो एबे हमें देखिबा एंजाइम विषय में देखिबा कौन सब अच्छी आंसर हम कौन एंजाइम एक्टिविटी इज रेगुलेटेड। तो एंजाइम आर कैटलिस्ट हमें जानिचे दैट कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। ईच एंजाइम हैज एन एक्टिव साइट इनटू व्हिच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स प्रिसाइजली। सो द लॉक एंड की हाइपोथेसिस पोस्टुलेटेड दैट द सबस्ट्रेट फिट प्रिसाइजली इनटू लॉक ऑफ एंजाइम। सो दिस हाइपोथेसिस इज नाउ हैज बीन मॉडिफाइड। सो द मॉडर्न इंड्यूस्ड फिस्ट हाइपोथेसिस डज नॉट रिगार्ड एक्टिव साइट एज ए रिजिड स्ट्रक्चर बट ए फ्लेक्सिबल वन। तो एमती कि ये पार्ट को पढ़ो तापर ये भी देख एमसीएट रो एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन देखिए बट तुम जो देख डिटेल जो पढ़ो एमती किसी तार आंसर को तुम पाइब। ओके तो यार आंसर जदि सी देखिए सीटा भी मतलब भूल लगुच तेणु यार आंसर तुम टे चेक कर एंजाइम रो एंजाइम को लेकिन जो क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन रनसर कौन हम ताको कमेंट सेक्शन में मेनसन कर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन बैटेरी बैटेरी यूज इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन आर ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल लिथियम आयन बैटेरी लीड स्टोरेज बैटेरी। तो बैटेरी आमर कौटी यूज हो मोबाइल बैटेरी कौ बैटेरी ये लिथियम आयन बैटेरी। तापर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये वीडियो रे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाए पढ़ी क्लोज करवा तापर जो रेस्ट पार्ट रहा बायोलॉजी पार्ट को आम सेपरेट आउ गोटे वीडियो को वीडियो रे बुझाप ट्राई करवा। तो फास्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकिन आम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देसी बट इटा मे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो न पारे कि तुम्हें इटा जस्ट खाली मन रख जो पार्ट गुटा केमिस्ट्री कौन पर एनसीएट रे पार्ट गुटा देमती किसी स्पेसीफिकाली मेनसन करें ये ऑर्गेनिक फिजिकल बट जस्ट खाली तुमको इजीनेस करें इजी करें जिनस को ये क्लासीफिकेसन कराई सॉप एंड डिटर्जेंट हेल्प टू रिमूव डार्ट एंड क्लॉथ डार्ट फ्रॉम क्लॉथ। इट डज सो बिकज ऑफ हैविंग टू पार्ट्स सॉप आउ डिटर्जेंट रे कौन थाए हाइड्रोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक और बोथ द हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोफोबिक और न्यूट्रोफोलिक एंड हाइड्रोफोबिक। आंसर कौन हम दीटा पार्ट अच्छी सॉप एंड डिटर्जेंट कौन अच्छी आंसर देवाप ट्राए कर। देख आंसर हम कौन सी हम हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये देख सॉप कौन देखिए सॉप रो तार केमिकल ना कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ वेजिटेबल एनिमल ऑयल। ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉप देखिए व्हाट इज डिटर्जेंट देखिए डिटर्जेंट बेसिकली लॉन्गोफिलिक लिपोफिलिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप डिटर्जेंट रो प्रॉपर्टी देखिए तापरे क्लींजिंग ऑप्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। तो इथरे देछि देखो सॉप मॉलिक्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसिलिस। ओके तापरे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड ए सब जिंस अछि ते देखो एटा माइसिलिस तो इथरे तार जो स्ट्रक्चर को बुझिया पे ट्राई करबो कोन कोन सब अछि देखिबो। तापरे देखो नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड इन फिश पॉन्ड इज वर्किंग एज डिसइन्फेक्शन मालाचाइट स्नेल कॉन्ट्रैक्टर पेस्टिसाइड की कौन है पारास्टिसाइड। तो आंसर कौन हो ब्लीचिंग पाउडर जो आम फिश पॉन्ड जो यूज होटा यूज हो। सो आंसर हम कौन डिसइनफेक्शन तापरे व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर डिटर्जेंट को लेकिन कौटा इनकरेक्ट इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम जनरली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉप रे अच्छी डिटर्जेंट रे ताको हमें आंसर रे देखिया पे ट्राई करिवा। ओके देखो व्हिच इज नॉट करेक्ट फॉर डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट बेसिकली इट जनरली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एटा ठीक अच्छे कि ना एटा इनकरेक्ट अच्छे तेल आम देखा एक्शन ऑफ डिटर्जेंट तापरे टोटल देखिए देख सॉप आउ डिटर्जेंट भितर डिफरेंस देखिए
तो एथिरे आमे कोन करिबा ना सॉप आउ डिटर्जेंट भीतर डिफरेंस को बुझिया पे ट्राई करिबा। सॉप रे कोन कहउची कंसिस्ट ऑफ COONA आउ डिटर्जेंट कोन करची H3 SO3NA ग्रुप कंटेंट करूची। तो एटी देखो केमिकल नाम ना देखो हमरो सॉप रो सोडियम स्टेरेट आउ डिटर्जेंट रो देखो हमरो एटी C18H29NaO3S। तो एथिरे डिफरेंस जो देइची सॉप आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर एनवायरमेंट, दे आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट, बट डिटर्जेंट आर सिंथेटिक डेरिवेटिव। यही जिनसटा को तुमको जानवर अच्छे तो अलग जो डिफरेन्सेस अच्छी भी तुमको बुझाप ट्राए कर। एमती आम फास्ट जनरल सैंस रास्ट पार्ट को कम्प्लीट कले तो जेहेतु टी बेस बड़ अच्छी तार क्वेश्चन आउ टे टाइम लगे आम डिस्कस करने से आम नेक्स्ट डे आउ गोटे दिन में आम ट्राए कर बुझाप। तो आमर जो ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तुम सब भिड और PDF पार्ट को तुम देखिपार डाउनलोड कर प्लस तुमको जदि लगुच जनरल साइंस पार्ट रो सेकेंड पार्ट भी आमर दरकार ताले तुमको मेंशन करने पड़ो जे वी वांट सेपरेट वीडियो फॉर बायोलॉजी एंड आमर जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तुम डिस्कस करचे खाली बायोलॉजी पार्ट को जदि आम कवर कले आमर जनरल साइंस कंप्लीट होगा। तापर आउ गोटे दिन आम करेंट अफेयर पार्ट को कवर करवा करेंट अफेयर क्वेश्चन कौ सेक्शन में बेसिक पार्ट पढ़ू आउ कौ जिन गुड़ाक आमको फोकस करने पड़ो। ओके सो विथ दिस एंड thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Please share this video along with your friend. Bye bye.